गया जिला के आमस प्रखंड क्षेत्र में भूपनगर गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। इसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहां तक पहुंचने के लिए दो पहाड़ों को पार करना पड़ता है। 2009 से पूर्व यह गांव पानी में फ्लोराइड को लेकर पूरे देश में चर्चित था, क्योंकि इस गांव के चापाकल से निकलने वाला पानी जहरीला होता था। फ्लोराइड ज्यादा रहने के कारण इस गांव के अधिकांश लोग दिव्यांगता के शिकार हो गए थे और गांव 1988 में तब चर्चित हुआ जब गांव के अधिकांश लोग दिव्यांग हो गए और कई लोगों की फ्लोराइड युक्त पानी पीने से मौत हो गई थी। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस गांव में वर्ष 2009 में करीब 45 लाख रुपए की लागत से ग्रामीणों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया गया, जो अब ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सरकार द्वारा लगाए गए इस वाटर फिल्टर प्लांट से ग्रामीणों के जीवन में अब काफी कुछ बदलाव आया है। गांव में परेशानी है, खास करके पानी में फ्लोराइड है और उसके चलते लोग विकलांग होते जा रहे हैं, और इसके अलावा साथ साथ सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, रोड का व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा जो है बस 5वीं तक है। अब पानी का जा है, पहले तो पानी का समस्या होल था पूरा कस के, लेकिन अभी भी पानी में कुछ सुधार आ गया है, इसलिए कि यहाँ ही पानी को सप्लाई कर दिया जा रहा है, पानी मिल रहा है। हाँ, पानी मिल रहा है लोगों को, और इसको आगे चल के देखना होगा कि क्या जनरेशन में दिक्कत है। अच्छा, अब जैसे बच्चा लोग पैदा जो हो रहा है, हाँ, अब जो बच्चा हो रहा है वो ऐसा विकलांग नहीं हो रहा है, नहीं है। पानी की समस्या तो इस गांव से दूर हो गई, लेकिन इस गांव के ग्रामीण अब भी एक सड़क को लेकर सरकार से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। आजादी के 75 साल बीत गए हैं, लेकिन इस गांव में पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। गांव में जाने के लिए दो पहाड़ चढ़ना पड़ता है और पथरीली रास्ते से लोग आवागमन करते हैं, लेकिन इस समस्या से भी इस गांव को जल्द ही लोगों को निजात मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों के आवागमन में परेशानी ना हो। गया से न्यूज 18 के लिए कुंदन कुमार।